नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी भीम सिंह की बेटी थी और यह भीम सिंह मेवाड़ उदयपुर में गुहिल वंश के शासक थे। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद क्यों हुआ, क्यों पीना पड़ा मेवाड़ की एक बेटी को जहर। दोस्तों एक मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था और गुहिल वंश का शासक था भीम सिंह और भीम सिंह की बेटी का नाम था कृष्णा कुमारी। मेवाड़ में गुहिल वंश का राजा था भीम सिंह और भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी। और पास में एक बड़ी रियासत पड़ती थी मारवाड़, पर उसमें एक बड़ी रियासत थी मारवाड़ और मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था और राठौड़ वंश के शासक भीम सिंह थे। मेवाड़ के शासक भी भीम सिंह थे और मारवाड़ के शासक भी भीम सिंह थे। तो मारवाड़ के में शासन था राठौड़ वंश का, राठौड़ वंश के शासक थे भीम सिंह। और मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई राठौड़ वंश के भीम सिंह से कर दी। मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से कर दी। लेकिन देवयोग से भाग्य को यही मंजूर था कि भीम सिंह की मृत्यु हो गई। डेथ हो गई। तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह राजा बना। मेवाड़ वालों ने सोचा राजकुमारी की तो सगाई की थी मारवाड़, उसकी तो मृत्यु या डेथ हो गई, अब क्या किया जाए। पास में एक बड़ी रियासत पड़ती थी जयपुर। जयपुर में कछुआ वंश का शासन था और कछुआ वंश के राजा थे जगत सिंह सेकंड। और उन्होंने जगत सिंह सेकंड के साथ सगाई कर दी। पहले तो सगाई की थी भीम सिंह के साथ और भीम सिंह की तो क्या होगी, डेथ हो गई। और अब उन्होंने सगाई किससे कर दी, जगत सिंह सेकंड के साथ। दोस्तों रिवाइज करते हैं, कृष्णा कुमारी विवाद, क्यों पीना पड़ा था मेवाड़ की एक बेटी को जहर। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था और गुहिल वंश के राजा का नाम था भीम सिंह। गुहिल वंश के शासक का नाम था भीम सिंह और भीम सिंह की बेटी का नाम था कृष्णा कुमारी। और पास ही एक बड़ी रियासत थी मारवाड़ और मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था और राठौड़ वंश के शासक का नाम भीम सिंह था। मेवाड़ वंश के शासक का नाम भी भीम सिंह था और मारवाड़ वंश के शासक का नाम भी भीम सिंह था। और मेवाड़ के भीम सिंह ने मारवाड़ के भीम सिंह से अपनी बेटी की सगाई कर दी। लेकिन देवयोग से भाग्य को यही मंजूर था कि भीम सिंह की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह राजा बना। मेवाड़ वालों ने सोचा राजकुमारी की तो सगाई की थी मारवाड़ और उसकी तो मृत्यु या डेथ हो गई, अब क्या किया जाए। तो पास में एक बड़ी रियासत और पड़ती थी जयपुर आमेर। तो आमेर जयपुर में कछुआ वंश का शासन था और कछुआ वंश के शासक थे जगत सिंह सेकंड। और उन्होंने जगत सिंह सेकंड के साथ सगाई कर दी। पहले तो सगाई की थी भीम सिंह के साथ और अब सगाई कर दी जगत सिंह सेकंड के साथ।
तब क्या हुआ दोस्तों, लोगों ने मानसिंह को भड़का दिया, लोगों ने मानसिंह को भड़का दिया कि यार कृष्णा कुमारी की सगाई तो पहले तुम्हारे मारवाड़ की थी। लोगों ने मानसिंह को भड़का दिया कि यार कृष्णा कुमारी की सगाई तो पहले तुम्हारे मारवाड़ की थी, तुम्हारे मारवाड़ से हटाकर इसकी सगाई अब जयपुर कर दी। पहले सगाई मारवाड़ की थी और उसके बाद जयपुर कर दी, तुम्हारी तो बेइज्जती है। वो तुम्हारे घर आने वाली थी, अब वो जयपुर वालों के घर जाएगी। तुम्हारी तो बेइज्जती है, वो तुम्हारे घर आने वाली थी, अब तो जयपुर वालों के घर जाएगी। मानसिंह ने मेवाड़ या उदयपुर वालों को कहा कि तुमने लड़की की सगाई जयपुर नहीं कर सकते। मानसिंह जो कि राठौड़ वंश का शासक था, उसने कहा मेवाड़ वालों उदयपुर वालों से कहा, जो उदयपुर में गोहिल वंश का शासन था, तो मेवाड़ मानसिंह ने मेवाड़ वालों को कहा कि तुम्हारी लड़की की सगाई जयपुर नहीं कर सकते, तुम्हें ये सगाई जोधपुर ही करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमने सगाई तेरे भैया मानसिंह के साथ की थी, तेरा भैया तो मर गया। मानसिंह बोला मेरा भैया भले ही मर गया हो, सगाई तो आपको जोधपुर ही करनी पड़ेगी। मेवाड़ वालों ने कहा हमने तो जयपुर कर दी है, जयपुर वालों को देख लो, मामला सुलझे तो आपस के अंदर सुलझा लो, हमने तो वहां पर जयपुर कर दी है। इस प्रकार जयपुर और जोधपुर में ठन गई, या इस प्रकार जयपुर और जोधपुर में बैर हो गया। रिवाइज करते हैं, लोगों ने मानसिंह को भड़का दिया कि यार कृष्णा कुमारी की सगाई तो पहले तुम्हारे मारवाड़ की थी, तो तुम्हारे मारवाड़ से हटाकर उसकी सगाई जयपुर कर दी है, तुम्हारी तो इसमें क्या है बेइज्जती है, वो तुम्हारे घर आने वाली थी, अब तो जयपुर वालों के घर जाएगी। मानसिंह ने मेवाड़ उदयपुर वालों को कहा कि तुम्हारी लड़की की सगाई जयपुर नहीं कर सकते, तुम्हें यह सगाई जोधपुर ही करनी पड़ेगी। यानी मानसिंह ने कहा कि तुम जयपुर सगाई नहीं कर सकते, तुम्हें यह सगाई जोधपुर ही करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेवाड़ वालों ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमने तो सगाई तेरे भैया मानसिंह के साथ की थी और तेरा भैया मर गया है। मानसिंह बोला मेरा भैया भले ही मर गया हो, सगाई तो आपको जोधपुर ही करनी पड़ेगी। मेवाड़ वालों ने कहा हमने तो जयपुर कर दी है, जयपुर वालों को देख लो, मामला सुलझे तो आपस के अंदर सुलझा लो, हमने तो वहां पर जयपुर सगाई कर दी है। इस प्रकार जयपुर और जोधपुर में ठन गई, यानी इस प्रकार जयपुर और जोधपुर में स्थिरता हो गई। मानसिंह ने जगत सिंह को कहा कि तू सगाई तोड़ दे। मानसिंह ने जगत सिंह को कहा कि तू सगाई तोड़ दे, यानी राठौड़ वंश के मानसिंह ने कछुआ वंश के जगत सिंह से कहा कि तू सगाई तोड़ दे। कृष्णा कुमारी सुंदर थी, जगत सिंह सगाई तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। कृष्णा कुमारी बहुत सुंदर थी, इसलिए जगत सिंह सगाई तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आपस में ये दोनों जयपुर और जोधपुर वाले भिड़ गए। जयपुर और जोधपुर वाले क्या गए, आपस में भिड़ गए। राजकुमारी उदयपुर की कृष्णा कुमारी थी, राजकुमारी तो कहाँ की थी, उदयपुर की कृष्णा कुमारी यानी मेवाड़ की, और लड़े कौन पड़े, जयपुर और जोधपुर। लड़ कौन पड़े, जयपुर और जोधपुर। राजकुमारी तो उदयपुर की और लड़ पड़े जयपुर और जोधपुर। इनके बीच में लड़ाई हुई, जयपुर और जोधपुर के बीच में। और इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, गिंगोली का युद्ध हुआ और गिंगोली का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। नागौर में जगह पड़ती है पर्वत सर के पास, नागौर में जगह पड़ती है पर्वत सर के पास, जहाँ गिंगोली का युद्ध हुआ। और इसे गिंगोली का युद्ध हुआ और गिंगोली के युद्ध को पर्वत सर का युद्ध भी कहते हैं, गिंगोली के युद्ध को पर्वत सर का युद्ध भी कहते हैं। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ। गिंगोली का युद्ध कब हुआ, 1807 में, और किसके बीच हुआ, जगत सिंह वर्सेज मानसिंह, यानी जगत सिंह और मानसिंह के बीच। जगत सिंह कछुआ वंश के और मानसिंह राठौड़ वंश के, इनके बीच युद्ध हुआ जगत सिंह और मानसिंह के बीच। शुरुआत
शुरुआती हमले में तो जगत सिंह तेज पड़ा, यानी शुरुआती हमले में तो जगत सिंह तेज पड़ा, लेकिन मानसिंह बेचारा और मानसिंह भाग जाता है। शुरुआती हमले में तो जगत सिंह तेज पड़ता है और मानसिंह बेचारा भाग जाता है। मानसिंह ने मेहरानगढ़ के किले में शरण लेनी पड़ी। मानसिंह ने शरण कहाँ ली? मेहरानगढ़ के किले में। जयपुर वालों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। जयपुर जो कि जयपुर में कछवा वंश का शासक था, जयपुर वालों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब मानसिंह क्या करे, अंदर बैठा। जब जयपुर वालों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया तो क्या करे, मानसिंह अंदर बैठा। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध या पर्वतसर का युद्ध। दोबारा देखते हैं, गिंगोली का युद्ध और पर्वतसर का युद्ध दोनों के बीच हुआ, और पर्वतसर कहाँ है? नागौर, नागौर में। और जगत सिंह सेकंड और वीएस मानसिंह, जगत सिंह सेकंड वर्सेस मानसिंह के बीच यह युद्ध हुआ। जगत सिंह जयपुर का और जोधपुर का मानसिंह था, तो जयपुर और जोधपुर के बीच यह युद्ध हुआ, जगत सिंह और मानसिंह के बीच यह युद्ध हुआ। रिपीट करते हैं, मानसिंह ने जगत सिंह को कहा कि तू सगाई तोड़ दे। मानसिंह ने जगत सिंह को कहा कि तू सगाई तोड़ दे। कृष्णा कुमारी बहुत सुंदर थी, जगत सिंह सगाई तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आपस में दोनों जयपुर और जोधपुर वाले भिड़ गए, यानी जयपुर और जोधपुर वाले क्या बन गए, आपस में भिड़ गए। राजकुमारी उदयपुर की कृष्णा कुमारी, राजकुमारी तो मेवाड़ उदयपुर की थी कृष्णा कुमारी, और लड़ पर कौन पड़े, जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर के बीच लड़ाई हुई, इनके बीच में लड़ाई हुई, जयपुर और जोधपुर के बीच में, उनके बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। नागौर में एक जगह पड़ती है पर्वतसर के पास, इसे गिंगोली का युद्ध या पर्वतसर का युद्ध भी कहते हैं। गिंगोली का युद्ध जगत सिंह और मानसिंह के बीच हुआ। गिंगोली का युद्ध जगत सिंह वर्सेज मानसिंह के बीच हुआ, और ये कब हुआ, 1807 में। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ। शुरुआती हमले में जगत सिंह तेज पड़ा और मानसिंह बेचारा भाग जाता है। मानसिंह मेहरानगढ़ के किले में शरण लेनी पड़ी। मानसिंह को कहाँ शरण लेनी पड़ी, मेहरानगढ़ के किले में। जयपुर वालों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, क्या करे, मानसिंह अंदर बैठा। यानी मानसिंह अंदर बैठा था मेहरानगढ़ किले में, और फिर दोनों के बीच गिंगोली का युद्ध या पर्वतसर नागौर का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध या पर्वतसर, पर्वतसर नागौर में एक जगह है पर्वतसर, ये युद्ध हुआ गिंगोली का युद्ध, और किसके बीच हुआ, जगत सिंह सेकंड और मानसिंह के बीच, यानी जयपुर और जोधपुर के बीच ये युद्ध हुआ। शुरुआत में मानसिंह हारता है। शुरुआत में कौन हारता है, मानसिंह हारता है, लेकिन बाद में मानसिंह एक बंदे को अपनी ओर तरफ करता है, यानी मानसिंह एक व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाता है, और उसका नाम है अमीर खां पिंडारी। शुरुआत में मानसिंह हारता है, लेकिन बाद में मानसिंह एक बंदे को अपनी तरफ करता है, उस बंदे का नाम है अमीर खां पिंडारी। किसी टाइम में अमीर खां पिंडारी मराठों की तरफ से लड़ा करता था। अमीर खां पिंडारी जो एक अफगान था, यह मराठों की तरफ से लड़ा करता था। किसी टाइम में अमीर खां पिंडारी मराठों की ओर से तरफ से लड़ा करता था, मराठों की तरफ से लड़ने वाला एक सेनापति था। अमीर खां पिंडारी मराठों की तरफ से लड़ने वाला क्या था, एक सेनापति था। धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया अमीर खां पिंडारी, मराठों की तरफ से लड़ने वाला एक सेनापति था, और धीरे धीरे यह शक्तिशाली हो गया, और अपने दम पर लड़ाई दंगे इधर उधर करने लगा दो एक हजार की सेना लेकर इधर उधर भटकता रहता। अमीर खां पिंडारी अपने दम पर लड़ाई दंगे करने लगा इधर उधर और 2-1 हजार की सेना लेकर इधर उधर भटकता रहता। जो कोई भी पैसा देता उसकी तरफ से लड़ता, तो अमीर खां पिंडारी को जो कोई भी पैसे देता उसकी तरफ से लड़ता। मानसिंह ने कहा कि मेरी तरफ से लड़ ले। मानसिंह ने अमीर खां पिंडारी को कहा कि तू मेरी तरफ से लड़ ले।
इसने कहा ठीक है, जयपुर की तरफ गया। अमीर खां पिंडारी ने कहा कि ठीक है, जयपुर की तरफ गया और जयपुर के गांव वाँव लूटने शुरू कर दिए। जयपुर के क्या किए, गांव वाँव लूटने शुरू कर दिए। जगत सिंह जो मेहरानगढ़ के दुर्ग के चारों ओर घेरा डाला हुआ था, वापिस अपने जयपुर आ गया। जब अमीर खां पिंडारी जयपुर की तरफ गया और जयपुर के गांव वाँव लूटने लगा तो जगत सिंह मेहरानगढ़ दुर्ग में को घेरे हुए था, वह वापिस जयपुर आ गया। मान सिंह ने अमीर खां पिंडारी से कहा कि मैं तुझे और पैसा दूंगा। यानी मान सिंह जो राठौड़ वंश का था उसने अमीर खां पिंडारी को कहा कि मैं तुझे और पैसा दूंगा, तू तो अब मेवाड़ वालों को जाकर कह दे कि तुम अपनी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को मार दो। मान सिंह ने अमीर खां पिंडारी से कहा कि मैं तुझे और पैसा दूंगा, तू तो अब मेवाड़ वालों को जाकर कह दे कि तुम अपनी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को मार दो तो ठीक है, वरना शादी तो मैं ही करूंगा। अमीर खां पिंडारी वहां गया। अमीर खां पिंडारी मेवाड़ वालों के पास गया और एक बंदा और था, और अमीर खां पिंडारी के साथ एक बंदा और था, अजीत सिंह चुंडावत। मेवाड़ वालों का बंदा था जो अजीत सिंह चुंडावत, किस कहाँ का था, मेवाड़ वालों का ही था, वो मेवाड़ वालों की तरफ से ही था अजीत सिंह चुंडावत। रिपीट करते हैं, शुरुआत में मानसिंह हारता है लेकिन बाद में मानसिंह एक बंदे को अपनी तरफ मिलाता है, उसका नाम है अमीर खां पिंडारी। तो शुरुआत में मानसिंह हारता है लेकिन बाद में मानसिंह एक बंदे को अपनी तरफ मिलाता है, उसका नाम है अमीर खां पिंडारी। किसी टाइम में अमीर खां पिंडारी मराठों की तरफ से लड़ा करता था। अमीर खां पिंडारी किसकी तरफ से लड़ा करता था, मराठों की तरफ से। मराठों की तरफ से लड़ने वाला एक सेनापति था। अमीर खां पिंडारी कौन था, मराठों की तरफ से लड़ने वाला एक सेनापति था, धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया और अपने दम पर लड़ाई दंगे इधर उधर करने लगा। और दो एक हजार की सेना लेकर इधर उधर भटकता रहता, जो कोई भी पैसे देता उसकी तरफ से लड़ता। अमीर खां पिंडारी 2-1 हजार की सेना लेकर इधर उधर भटकता रहता, जो कोई भी पैसे देता उसकी तरफ से लड़ता। मानसिंह ने कहा कि मेरी तरफ से लड़ ले। मानसिंह ने अमीर खां पिंडारी को क्या कहा कि तू मेरी तरफ से लड़ ले। इसने कहा ठीक है, तो उसने क्या किया, जयपुर की तरफ गया और गांव वाँव लूटने शुरू कर दिए। जगत सिंह जो मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर घेरा डाला हुआ था, वापिस अपने जयपुर आ गया। तो वो जगत सिंह कहाँ गया, जयपुर वापिस आ गया। मानसिंह ने अमीर खां पिंडारी से कहा कि मैं तुझे और पैसा दूंगा। तू अब मेवाड़ वालों को जाकर कह दे कि तुम अपनी राजकुमारी, राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी, कि तुम अपनी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को मार दो तो ठीक है, वरना शादी तो मैं ही करूंगा। ये कौन कहता है, मानसिंह कहता है। अमीर खां पिंडारी वहां गया, अमीर खां पिंडारी मेवाड़ गया और एक बंदा और था उसके साथ, बीच में अजीत सिंह चुंडावत, मेवाड़ वालों का बंदा। अमीर खां पिंडारी वहां गया और उस एक बंदा और था बीच में, अजीत सिंह चुंडावत, जो कि मेवाड़ वालों का ही बंदा था, यानी मेवाड़ का ही था अजीत सिंह चुंडावत। मेवाड़ वालों का ही बंदा था इस अमीर खां पिंडारी ने और अजीत सिंह चुंडावत दोनों ने दबाव डाला भीम सिंह पर कि भीम सिंह जो ये लड़ाई चल रही है तभी खत्म हो सकती है जब तुम अपनी बेटी को मार दो। इस अमीर खां पिंडारी ने और अजीत सिंह चुंडावत दोनों ने दबाव डाला
भीम सिंह पर कि भीम सिंह जो ये लड़ाई चल रही है तभी खत्म हो सकती है जब तुम अपनी बेटी को मार दो। लेकिन पिता अपनी पुत्री को कैसे मारे पर यह कहानियां हैं। जब उस बेटी को पता चला कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है तो उस लड़की ने जहर ले लिया, भले ही पी लिया हो या उसने पी दे दिया हो या पी लिया हो, वो तो बेचारी कृष्णा कुमारी मर गई थी। लेकिन पिता अपनी पुत्री को कैसे मारे पर यह कहानियां हैं। जब उस बेटी को पता चला कि मेरी वजह से यह सब हो रहा है तो उस लड़की ने जहर ले लिया, भले ही दे दिया हो या पी लिया हो, वो बेचारी कृष्णा कुमारी तो मर गई। 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी जहर ले लेती है। कृष्णा कुमारी ने जहर कब लिया? 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने 21 जुलाई 1810 को जहर ले लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णा कुमारी की मृत्यु कब होती है? 21 जुलाई 1810 को। जैसे ही कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई, इन मंगतों को पता चला कि उन्होंने जगत सिंह और मान सिंह ने अपनी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ खत्म कर दी। जब कृष्णा कुमारी की जैसे ही मृत्यु हुई, इन मंगतों को पता चला तो इन्होंने जगत सिंह और मान सिंह ने अपनी लड़ाई वड़ाइयाँ खत्म कर दी और बाद में इन्होंने एक दूसरे के यहाँ शादियाँ कर ली। बताओ, कृष्णा कुमारी की तो मृत्यु हो गई और इन्होंने शादियाँ कर ली दोनों ने एक दूसरे से। ये वो कलंकित धब्बा है, ये वो कलंकित धब्बा है। कहीं ना कहीं किस प्रकार राजाओं ने अपनी अपनी कुंठा में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जान ले ली। ये वो कलंकित धब्बा है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार राजाओं ने अपनी अपनी कुंठा में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जान ले ली, यानी आपस के बैर में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जान ले ली। और कैसे मेवाड़ उदयपुर वालों ने उस राजकुमारी को जान लेने के लिए मजबूर हो गए, और कैसे मेवाड़ वाले उदयपुर वाले अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की जान लेने के लिए ही मजबूर हो गए। बप्पा रावल के वंशजों का यह मॉरल डिक्लाइन था, बप्पा रावल के वंशजों का यह मॉरल डिक्लाइन यानी नैतिक पतन था, बप्पा रावल के वंशजों का यह क्या था? मॉरल डिक्लाइन यानी नैतिक पतन था। ये वो कलंकित धब्बा है, कहीं ना कहीं किस प्रकार राजाओं ने अपनी अपनी कुंठा में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जान ले ली थी, और कैसे मेवाड़ उदयपुर वाले ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की जान लेने के लिए मजबूर हो गए। यह बप्पा रावल के वंशजों का नैतिक पतन था, मॉरल डिक्लाइन था। शायद भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। रिपीट करते हैं, इस अमीर खां पिंडारी ने और अजीत सिंह चुंडावत ने दबाव डाला भीम सिंह पर कि भीम सिंह जो यह लड़ाई चल रही है तभी खत्म हो सकती है जब तुम अपनी बेटी को मार दो। इस अमीर खां पिंडारी ने और अजीत सिंह चुंडावत दोनों ने दबाव डाला भीम सिंह पर। किस पर दबाव डाला? भीम सिंह पर कि भीम सिंह जो ये लड़ाई वड़ाई चल रही है ये तभी खत्म हो सकती है जब तुम अपनी बेटी कृष्णा कुमारी को मार दो। लेकिन पिता अपनी पुत्री को कैसे मारे पर यह कहानियां हैं। जब उस बेटी को पता चला कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है तो उस लड़की कृष्णा कुमारी ने जहर ले लिया, तो उस कृष्णा कुमारी ने क्या कर लिया? जहर पी लिया, भले दिया हो या उसने पी लिया हो, वो बेचारी कृष्णा कुमारी तो मर गई थी। 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने जहर ले लेती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। कृष्णा कुमारी ने जहर कब लिया? 21 जुलाई 1810 को, और 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे ही कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई, इन मंगतों को पता चला कि उन्होंने जगत सिंह और मान सिंह ने अपनी लड़ाई वड़ाई खत्म कर दी और बाद में उन्होंने एक दूसरे के यहाँ शादियाँ कर ली थी। लड़ाई भी खत्म कर दी और शादी भी कर ली। ये वो कलंकित धब्बा है जो कहीं ना कहीं किस प्रकार राजाओं ने अपनी अपनी कुंठा में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जान ले ली थी। ये वो कलंकित धब्बा है कहीं ना कहीं किस प्रकार राजाओं ने अपनी अपनी कुंठा में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जान ले ली थी।
और कैसे मेवाड़ उदयपुर वालों ने उस राजकुमारी की जान लेने के लिए मजबूर हो गए, और कैसे मेवाड़ उदयपुर वाले अपनी बेटी उस राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जान लेने के लिए मजबूर हो गए। यह बप्पा रावल के वंशजों का मॉरल डिक्लाइन, नैतिक पतन था। यह बप्पा रावल के वंशजों का मॉरल डिक्लाइन या नैतिक पतन था, शायद भगवान भी उनको क्षमा नहीं करेगा। शायद भगवान भी उनका साथ नहीं दे रहा था, शायद भगवान भी उनका साथ नहीं दे रहा था। मेवाड़ वालों के राजचिन्ह में लिखा है, मेवाड़ वालों के राजचिन्ह में क्या लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म की तीर राखे करताल। मेवाड़ वालों के राजचिन्ह में लिखा है कि जो दृढ़ राखे धर्म की तीर राखे करताल, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है भगवान उनका साथ देता है। जो दृढ़ राखे धर्म की तीर राखे करताल, इसका अर्थ है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है भगवान उनका साथ देता है। पर शायद राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। हाय बुरी लगती है ऊपर वाले की, इस अजीत सिंह चुंडावत ने जिसने जहर दिलवाया था, इस अजीत सिंह चुंडावत ने जिसने कृष्णा कुमारी को जहर दिलवाया था, उसके थोड़े दिन बाद अजीत सिंह की रानी भी मर गई थी। अजीत सिंह चुंडावत जिसने जहर दिलवाया था, उसकी रानी भी मर गई थी और बेटे भी मर गए थे। यह अंत में पागल हो गया था और मंदिर मंदिर घूमता था, माथा भिड़ा भिड़ा के मरा था, कन्या की हाय लग गई थी इसको। शायद भगवान भी इनका साथ नहीं दे रहा था। मेवाड़ वालों के राजचिन्ह में लिखा था, क्या लिखा था मेवाड़ वालों के राजचिन्ह में, जो दृढ़ राखे धर्म की तीर राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म की तीर राखे करतार, इसका अर्थ है कि जो अपने कर्तव्य का पालन करता है भगवान उनका साथ देता है। पर शायद राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे, यानी ये मेवाड़ उदयपुर वाले अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। हाय बुरी लगती है ऊपर वाले की, इस अजीत सिंह चुंडावत ने जिसने जहर दिलवाया था, उसकी थोड़े दिनों बाद रानी भी मर गई थी और बेटे भी मर गए थे। यह अंत में पागल हो गया था, मंदिर मंदिर घूमता था, माथा भिड़ा भिड़ा के मरा था, शायद कन्या की हाय लगी थी। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।